हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब्स में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम बात करेंगे गुजरात सरकार की वाहली दीकरी योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य क्या है, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है और योजना की प्रोसेस के बारे में, उनसे जुड़ी सारी बातें के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि योजना का उद्देश्य क्या है। वाहली दीकरी योजना से बेटियों के जन्म दर में सुधार लाना और उनकी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, यह मेन उद्देश्य है इस योजना का। इस योजना से बेटियों के जन्म दर में सुधार हो सकता है और उनकी शिक्षा के स्तर को ऊंचाई मिल सकती है, जिससे कि ड्रॉप आउट रेशियो कम हो जाएगा और यह योजना वुमन एम्पावरमेंट को भी दृढ़ बनाने में मदद करेगी। और फिर इस योजना का गठन ही इस तरीके से किया गया है कि बाल विवाह को भी रोका जा सकता है। और अब जानते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। आवेदन पत्र कहाँ भरना है और आपको कहाँ से प्राप्त होगा? तो आप ग्राम पंचायत या नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में से फॉर्म ले सकते हैं और ब्लॉक लेवल या तालुका स्तर पे आप ICDS ऑफिसर से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। और तो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे महिला और बाल विकास अधिकारी से भी यह फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करके आपको जन सेवा केंद्र में या तो जो सेवा सेतु कार्यक्रम होते हैं वहां आपको सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिशन के 15 दिनों में केंद्र की सेविकाएं आपके घर वेरिफिकेशन करने आते हैं और इसके बाद ही आपका आवेदन पत्र स्वीकार्य है या अस्वीकृत है ये तय होगा। योजना के नियम के मुताबिक 45 दिनों में आपके आवेदन पत्र का कार्य समाप्त संपूर्ण करना होगा और आप अपनी बेटी के जन्म के बाद के 1 साल के अंदर ही आपको ये फॉर्म भर के देना होगा। और हाँ, COVID-19 की वजह से 6 महीने की छूट मिली है। उसके बाद अगर आप ये लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 1 साल के अंदर ये प्रोसेस पूरी करनी होगी। अब जानते हैं यह योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है और इसके लिए क्या योग्यता है। पहले जिस बेटी का जन्म 21 फरवरी 2019 के बाद हुआ है उनके माता पिता यह योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले 3 बच्चों में से सभी बेटियों के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। असाधारण किस्सों में दूसरी या तीसरी प्रसव के समय परिवार में एक से अधिक बेटियों का जन्म होता है, तब वे तीसरी बेटी के लिए भी दूसरी बच्ची के किस्से में या तो जुड़वा बच्चियों के किस्से में माता पिता को योजना का लाभ लेने के लिए संतति नियमन का सर्टिफिकेट देना होगा। माता पिता की योग्यता को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह प्रबंधक नियम 2006 के तहत शादी के वक्त पिता की उम्र 21 और माता की उम्र 18 होनी चाहिए। यह सारी शर्तों को ध्यान में रखकर आपको फॉर्म फिलअप करना है और डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने होंगे। पहले तो बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, फिर माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट और उनका मैरिज सर्टिफिकेट, और माता पिता का आधार कार्ड देना होगा और बेटी के जन्म के समय उस साल का इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपकी सालाना आय 2 लाख या उससे कम है तब ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आय के रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन earnkaro.com से कोई भी इन्वेस्टमेंट किए बिना पैसे कमा सकते हैं। बस आपको अमेजिंग डील्स की फोटो शेयर करना है और आय प्राप्त करनी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप साइड में कुछ काम करना चाहते हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके आप unlock.com से साइड इनकम कर सकते हैं। चलिए हम योजना के बारे में आगे जान लेते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आप मामलेदार ऑफिस से या तो TDO यानी तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर या तो चीफ ऑफिसर की सिग्नेचर किया हुआ सबमिट करा सकेंगे। और इन सब के बाद बेटी के माता पिता को एफिडेविट बनवाना होगा,
जो डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। यहाँ ये बात जान लेनी आवश्यक है कि अगर किसी कारण से बेटी की 18 साल में या उससे पहले मृत्यु हो जाती है तो यह योजना के बाकी पैसे नहीं मिलेंगे। एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो जाए, आवेदन फॉर्म स्वीकार हो जाए, तब आपको योजना की राशि किस्तों में प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। पहली किस्त आपको जब बेटी पहली कक्षा में प्रवेश करेगी तब 4,000 रुपए की मिलेगी। दूसरी किस्त जब बेटी 9वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तब 6,000 रुपए की रहेगी। और तीसरी और आखिरी किस्त जब बेटी 18 साल की हो तब उसे उच्च शिक्षा या शादी की सहाय के लिए 1 लाख रुपए की सहाय मिलेगी। तो इस तरीके से आप वाहली टिकरी योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी कहना बाकी रह गया हो और आप या तो आपको कुछ डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू। जय भारत। जय हिंद।